हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज क्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ईच सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज क्यू डैश। सो हमें क्यू एंड क्यू डैश को कंपेयर करना है। सो आप देखो, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है एंड इसकी प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको क्यू दे रखी है। सो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा, और जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपको क्यू दे रखी है। नाउ हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं एंड इस स्लैब का जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, लेट्स से दैट इज के। सो क्या होगा कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेसेस पे जो चार्ज है वो इंड्यूस होंगे। पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और नेगेटिव चार्ज के नज़दीक इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। नाउ कितना चार्ज इंड्यूस होगा, लेट्स से क्यू इंड्यूस है ना, इंड्यूस चार्ज, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्यू पे, कितना चार्ज है कैपेसिटर की प्लेट्स पे। सो क्यू इन, ये क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, दैट इज इक्वल टू क्यू वन माइनस वन बाई के। क्यू क्या है, जितना चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स पे है, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस स्लैब ना। सो ये जो फॉर्मूला है एज सच आपको डायरेक्टली यूज करना चाहिए। इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगा कैसे आता है, बट आपको ये डायरेक्टली यूज करना है। देखो आता कैसे है ये, लेट्स से हमारे पास एक कैपेसिटर है एंड एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है कैपेसिटर की, और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। लेट्स से जो चार्ज है दैट इज क्यू। लेट्स से जो एरिया है कैपेसिटर की प्लेट्स का, दैट इज ए। सो आप देखो, सिग्मा सिग्मा दैट इज क्यू बाई ए है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाई ए। अगर मैं किसी पॉइंट पी पे, इस कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब आपको आता होगा राइट, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, सो इट विल बिकम क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। नाउ अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दें इस कैपेसिटर के अंदर, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है ना, जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। नाउ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पे वो वन बाई के टाइम्स हो जाएगी, लाइक पहले कितनी थी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अभी कितनी हो जाएगी, वन बाई के टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वन बाई के टाइम्स हो जाती है, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ दैट स्लैब। नाउ आप देखो कि पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी। उसके कम होने का रीजन क्या है कि इंड्यूस्ड चार्ज आएंगे है ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस पे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। सो एक्चुअली पॉइंट पी पे आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स का जो चार्ज है उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट जो इंड्यूस्ड चार्ज है उसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेट्स से सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन के क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब देखो सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड होगा क्यू इंड्यूस्ड अपॉन ए, लाइक जो स्लैब आपने इंसर्ट किए उसका भी एरिया सेम होगा एज द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन के क्यू, और यहाँ पे ए भी है, सो एरिया भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे देन आपको Q induced का वैल्यू मिलेगा, Q induced दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के राइट, और ये अब आपको डायरेक्टली याद रखना है और डायरेक्टली यूज करना है। नाउ जो K होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन बट लेसर देन इंफिनिटी होती है किसी भी जनरल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए है ना। लाइक आइडियल केस में अगर मैं बात करूँ, सो के इज इक्वल टू वन होता है वैक्यूम के लिए और के इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है मेटल के लिए, बट जनरल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए जो के की वैल्यू है वो इस रेंज में होती है। सो वन बाई के की जो रेंज होगी दैट विल बी वन बाई वन
और 1/∞। अब देखो साइन रिवर्स हो जाएंगे बिकॉज आप इनवर्स ले रहे हो ना। लाइक अगर ए इज ग्रेटर देन बी देन 1/a विल बी लेसर देन 1/b। आपको ये आता होगा, ये मैथ्स है ना। सो 1/k की जो रेंज है वो एक से छोटा होता है, 1/∞ दैट इज जीरो। सो जीरो से वन, लाइक 1/k की जो रेंज है वो जीरो से वन है ना। जो 1/k है वो जीरो से वन, और यू कैन से पॉइंट समथिंग, राइट। सो आप देखो कि 1 - 1/k, 1 - 1/k कितना होगा। जैसे 1/k अगर मैं 0.3 लेता हूँ, सो 1 - 1/k कितना होगा, 0.7। आपको ये समझना पड़ेगा ना। अगर 1/k लेट से 0.2 होता है, देन 1 - 1/k कितना होगा, 0.8। सो 1 - 1/k भी जीरो से वन के बीच में होगा। लाइक ये जो 1 - 1/k है ना, दिस इज ऑल्सो बिटवीन 0 to 1, राइट। ये भी काइंड ऑफ एक फ्रैक्शन है क्यू का। सो क्यू इंड्यूस्ड इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन ऑफ क्यू। सो जो क्यू इंड्यूस्ड है वो हमेशा क्यू का एक फ्रैक्शन है। वैसे भी इंड्यूस्ड चार्ज विल बी लेसर देन द चार्ज बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज बीइंग इंड्यूस्ड। लाइक आपको ये समझ आना चाहिए कि जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो क्यू से कम होगा। सो क्यू डैश दैट इज द इंड्यूस्ड चार्ज मे बी लार्जर देन क्यू, ऑफ कोर्स नॉट। क्यू डैश मस्ट बी लार्जर, फर्स्ट नॉट। क्यू डैश मस्ट बी इक्वल टू, फर्स्ट नॉट। क्यू डैश मस्ट बी स्मॉलर, यस। इंड्यूस्ड चार्जेस विल बी स्मॉलर देन द चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग एट द स्टॉप लाइन।